नमस्कार, मेरे चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत है। और ये बहुत खास प्रोग्राम है हमारे चैनल का, जिसका नाम है कहाँ से किताब। इसमें हम अपने मेहमानों से बात करते हैं पढ़ने लिखने की, उनकी दिलचस्पियों के बारे में, किताबों से उनके रिश्ते के बारे में। और आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने कानूनविद, संविधान विशेषज्ञ और नासलार हैदराबाद के कुलपति फैजान मुस्तफा साहब। और आज हम उनसे बात करेंगे किताबों के बारे में। सर, आपका बहुत स्वागत है। मैं बहुत दिनों से इस इंतजार में था कि कब यह आरजू पूरी होती है और आप इस शो पर आते हैं। आज बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं सर, पहला सवाल तो यही पूछना चाहूंगा कि आप जैसे व्यक्ति का, जिसने इतनी किताबें पढ़ी हैं, जिसका इतना नाम है एकेडमिक्स में, उसका किताबों से रिश्ता कैसा है? अगर आपको इसका इजहार करना हो तो आप क्या कहेंगे? हिमांशु, देखिए, हमारी जो मदर हैं वो ये कहती हैं कि तुम पढ़ते लिखते तो कुछ हो नहीं। अच्छा दरअसल जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं उनको जी, बहुत पढ़ने लिखने का शौक है और वो हर महीने मेरे ख्याल से कोई 8-10 किताबें पढ़ते हैं। अच्छा तो हमारी मदर का ये ख्याल है कि हम जरा कम पढ़ते हैं, लेकिन ये कि जाहिर है कि आर्टिकल लिखने के लिए या क्लास पढ़ाने के लिए या वीडियोस बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये हमें बचपन में ही बताया गया कि आपके सबसे अच्छे दोस्त किताबें हैं। इसलिए क्योंकि वो, जैसे हमारी मदर कहती हैं कि भाई वो आपसे कुछ नहीं मांगते, वो आपको कुछ देते हैं, देते हैं। और सही, उनसे ना इस बात का कोई अंदेशा है कि आपका झगड़ा होगा या आपस में जेलेसी होगी या कंपीट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि किताब आपकी बेस्ट दोस्त है, वो सही है। और फिर जब आपने एक तय कर लिया कि आप एकेडमिया में होंगे, यूनिवर्सिटी सिस्टम में होंगे जी और आपको पढ़ाना है, तो कोई भी टीचर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है वो जी क्लास में जा नहीं सकता जब तक वो 2-3 घंटे अपने लेक्चर पे काम ना करे। मैं समझता हूँ कि जो मेरे बड़े बड़े टीचर्स भी रहे, इरफान हबीब साहब भी, जी वो भी, क्या और मैंने लॉ में भी बड़े लोगों को देखा, प्रोफेसर मित्रा को, प्रोफेसर अजप्पा को, प्रोफेसर मेनन को, मेरे अपने टीचर जकरिया साहब, ये सारे लोग क्लास जाने से पहले 3-4 घंटे उस पे काम करते थे। यानी एक बार मैं प्रोफेसर अजप्पा के पास, जब मैं किट में डायरेक्टर था, गया जी तो बड़े नर्वस थे। अब बताइए, 80 साल का आदमी है और वो नर्वस है। उन्होंने कहा, यार मेरी तैयारी नहीं है, कल लेक्चर है मेरा। तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में तो जाहिर है कि आपकी जिंदगी आपकी किताबें हैं, और जहां पे भी आप जाएं तो आपकी किताबें आप खरीद खरीद के इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर वो जब आप मूव करते हैं उस शहर से, तो सबसे बड़ा सामान जो आपको कोरियर करना है तो वो बिल्कुल आपका किताबें होती हैं। जी। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने जैसे अपनी मदर का जिक्र किया पढ़ने लिखने के सिलसिले से, तो मुझे बताएं कि कैसे आपका रुझान पढ़ने की तरफ हुआ, कैसे आप पढ़ने की तरफ आए, और अगर शुरुआती किताबें आप बता सकें या घर का क्या माहौल था जिससे आप मोटिवेट हुए, तो वो अगर बताना चाहें तो। नहीं, देखिए, ऐसा था कि हमें तो ये माना जाता था, क्योंकि हमारे और भाई बहन बहुत पढ़ने में अच्छे थे, कि हम तो नाकारा किस्म के आदमी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 10th के बाद शायद कोई सीरियसनेस आई। तो मेरी बहन क्योंकि हिस्ट्री से एमए कर रही थी, तो हमें हिस्ट्री में इंटरेस्ट हुआ और उनकी किताबें सबसे पहले मैंने हिस्ट्री की पढ़ी, और फिर इवेंचुअली जाहिर है कि मैंने बीए किया हिस्ट्री में, और फिर हमें लगा कि हिस्ट्री हमने अब इतनी पढ़ ली है कि अब कुछ और किया जाए, तो हम लॉ में चले गए। लेकिन ये कि इनिशियली जो मुझे लगता है कि जो मैंने किताबें पढ़ी, जैसे एएल बाशम की बुक है या ईश्वरी प्रसाद की बुक है, वो मुझे अच्छी तरह याद है, आरसी मजूमदार की एक किताब है, वो किताबें हिस्ट्री में इनिशियली पढ़ी। और उसके बाद फिर अलीगढ़ में जिस जमाने में हम पढ़ते थे, तो काफी हॉस्टल्स में ये माहौल था कि किताबों पर, खास तौर से ऑटोबायोग्राफीज पे, आपस में दोस्तों में डिस्कशन होता था। तो हमारे दोस्त, अब वो प्रोफेसर हैं अलीगढ़ में,
परवेज तालिब वो भी बहुत जी किताबें पढ़ते थे, हम लोग भी किताबें पढ़ते थे, तो उसमें उन किताबों को लेके वो डिस्कशन आपस में हुआ करता था। तो वो एक इंटरेस्ट हुआ। फिर जब आप टीचिंग में आ गए तो जी जाहिर है कि बहुत किताबें आपने लॉ से रिलेटेड पढ़ी, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि लॉ जो है वो जब तक आप ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के साथ नहीं पढ़ेंगे तब जी तक आपका पर्सपेक्टिव सही नहीं होगा। नहीं मुझे ये होगा सर। एडवांटेज लॉ को पढ़ाने में हुई कि मेरे टीचर्स ने मेरी सोशल साइंसेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले की, तो तैयार कर उसकी दिया वजह से आप लॉ डिफरेंटली पढ़ाते हैं। जी। सर ये सवाल तो हमने अलग से रखा था कि जब आप एएमयू में थे तो किस तरह का माहौल था वहां जो पढ़ने की तरफ मोटिवेट करता था, क्योंकि एक तो एएमयू वो था जो हम मजाज को पढ़ते हैं, मजाज के दौर का एएमयू, फिर आप भी वहां थे और राही साहब जैसे लोग वहां थे, वहां और तमाम बड़े लोग थे, तो मैं उस माहौल के बारे में जानना चाह रहा था जिस दौर में आप नहीं, एएमयू में। ये जब जब तक हम गए तब तक काफी डेटोरिएशन हो चुका था, तो वो जो उनका गोल्डन पीरियड है वो तो हमने नहीं देखा। लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि जैसे हम बीए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमसे एलिट एंड डाउसन के सारे ट्रांसलेशंस जो ओरिजिनल कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस ने लिखे थे वो बीए में पढ़वा दिए गए। पूरा एक पेपर मेरी प्रोफेसर शीरी मुसवी ने मुझे अकबर पर पढ़ाया, पूरा एक फुल पेपर हमने पढ़ा अकबर। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ का था उस जमाने में, मतलब मेरे जमाने तक वो काफी डेटोरिएट हो चुका था, बहुत लोग जा चुके थे, प्रोफेसर नूरुल हसन जा चुके थे और काफी लोग रिटायर हो चुके थे, आई थिंक सतीश चंद्रा जा चुके थे, लेकिन फिर भी टीचर्स बहुत इंटरेस्ट लेते थे। आपको ताज्जुब होगा कि इरफान हबीब साहब पीयूसी की क्लासेस लिया करते थे 11th की, और मुझको मॉडर्न इंडिया उन्होंने पढ़ाई। हम लोगों ने दोस्तों में ये तय किया कि भैया ऐसा है कि ये जो भी बोले, उस जमाने में तो टेप रिकॉर्डर था नहीं, उसे हाँ बस लिख ले। तो हम लोग लिख उसी क्लास में तीन लोग जो हैं जी हम उनका हर बोला हुआ शब्द लिख लेते थे, और उसके बाद फिर बाद में नोट्स कंपेयर कर लेते थे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि मेरे पास 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर मेरे रजिस्टर में इरफान हबीब साहब के 42 पेजेस के क्लास नोट्स थे। अब फिर हमने क्या कोई किताब नहीं पढ़ी मॉडर्न इंडिया में, हमने कहा इरफान साहब से आगे बढ़ के कौन सी किताब पढ़नी है। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। तो सर ये बताएं कि अभी हाल फिलहाल आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं जो आप बताना चाहें, क्या पढ़ रहे हैं या पढ़ी हैं जी जो आपको याद आती देखिए, हो। अभी ये लेटेस्ट किताब मैंने पढ़नी शुरू की है, सलमान खुर्शीद साहब की बुक है, जी जी चर्चा में रही है, ये बाबरी मस्जिद पे है। और सलमान खुर्शीद साहब बहुत अच्छे राइटर हैं, जी वो के किताब में उन्होंने मेरा भी जिक्र किया है, कोई 2-2.5 पेज मेरे बारे में लिखे हैं और बड़े क्रिटिकल लिखे हैं। दरअसल मैंने अच्छा इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने ये कहा था कि अब जो देश के हालात हैं, हिंदुत्व फुट सोल्जर्स जहां तक पहुंच गए हैं, जी अब जब तक इनको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मिलेगी जी तब तक ये अब सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसलिए डिबेट ये होनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र किस तरह का होगा। और फिर जी मैंने कहा था कि इसके कई मॉडल्स हैं, भाई सऊदी अरब का एक मॉडल है, पाकिस्तान का मॉडल है, श्रीलंका का मॉडल है, ग्रीस का मॉडल है, इंग्लैंड का मॉडल है, तो बहस ये हो कि भाई किस तरह का हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। सलमान जी खुर्शीद साहब ने सही लिखा है, उन्होंने लिखा है कि ये फैजान जो है ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और फ्रस्ट्रेटेड होकर ये इस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन J.S. मिल और महात्मा गांधी और बड़े बड़े लोग, नेल्सन मंडेला, वो तो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। दरअसल मैं अपनी पोजिशन आपसे हिमांशु बिल्कुल साफ करूं, मुझे ये लगता है कि लॉ में और संविधान में और समाज में आपस में बहुत दूरी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो जी हमने संविधान इतना इनलाइटेंड और लिबरल बनाया नेहरू जी की वजह से और फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, अंबेडकर की वजह से, देश उसके लिए तैयार नहीं था, आज भी देश तैयार नहीं है इसके लिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर जो आज की रियलिटी है, सिर्फ जी संविधान में ये कह देने से कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हम जी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं बनते।
इनफैक्ट हम 1976 से पहले ज्यादा धर्म निरपेक्ष थे, जब से ये शब्द सेकुलर प्रीएम्बल में आया हम कम हो गए। तो कोई भी लॉ जो है उसकी लिमिटेशंस है, कोई भी संविधान की लिमिटेशंस है। मैं समझता हूं कि अगर समाज में शांति हो जाए, आपस में नफरतें खत्म हो जाएं, और संविधान में अगर कोई रिकॉग्निशन इस तरह का आ भी जाए कि साहब हिंदुइज्म जो है वो डोमिनेंट कल्चर है देश की, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार और राइट टू लिबर्टी, ये सारे अधिकार मौजूद रहेंगे। ये बहुत मुश्किल होगा किसी हिंदू राष्ट्र में कि आप ये कहें कि हम ये सारे अधिकार खत्म कर देंगे और नॉन हिंदूज को हम सेकंड क्लास सिटीजन बना देंगे, ये मुमकिन नहीं होगा। इसलिए कुछ हद तक अगर हम उसमें कदम बढ़ा सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं, तो हम कर ले। और अगर हमको ये लगता है कि अल्पसंख्यकों का इससे बहुत उनके दिल में डर बैठेगा, तो उनके अधिकारों को और स्ट्रेंथन कर दे। मेरी अप्रोच जो है वो इस तरीके की होती है कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है, माइनॉरिटीज के राइट्स भी सिक्योर हो जाए, जैसे इंग्लैंड में है जी, जैसे ग्रीस में है, उस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन ये कि किताब सलमान खुर्शीद साहब की बहुत अच्छी है और मैं रिकमेंड करूंगा कि लोगों उसको पढ़ें। और किताब क्रिटिकल नहीं है, किताब में ना तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कोई बहुत सख्त क्रिटिसिज्म है, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने जिस तरीके से मैसअप किया इस केस को, उसके बारे में बहुत सख्त अल्फाज हैं, ना कांग्रेस के बारे में बहुत सख्त बातें हैं, क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब बड़े डिसेंट किस्म के आदमी हैं, बहुत कल्चर्ड आदमी हैं, तो उन्होंने बहुत सोफिस्टिकेशन से कुछ बातें कही जी। और इसके अलावा भी कोई किताब सर जो आप पिछले दिनों पढ़ी? किताब मैं जो अभी रिसेंटली पढ़ी वो राम माधव जी की बुक है, अच्छा, हिंदुत्व पैराडाइम, और ये भी बहुत अच्छी किताब है। और इस किताब पर भी हमने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में राम माधव जी को इंटरव्यू किया था और वो इंटरव्यू भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। देखिए दरअसल ये कहने से कि हिंदुत्व बहुत बुरी चीज है और साहब अगर आपने हिंदुत्व की बात कर ली तो आप लिबरल नहीं रहे और आप सेकुलर नहीं रहे, इससे काम नहीं चलेगा। हमको हिंदुत्व को पढ़ना भी चाहिए, उसको समझना भी चाहिए। अब देखिए मैंने दूसरी किताब जो पढ़ी अभी रिसेंटली वो रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व है बद्री नारायण की जी जी, और मैंने तीसरी जो किताब पढ़ी वो आकार पटेल की है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बहुत सख्त उन्होंने हिंदुत्व की मुखालफत की है इस पे जी। तो आपको ये समझना होगा कि अल्टीमेटली हिंदुत्व क्या है जी। अगर कुछ कुछ चीजें आप देखें तो सवारकर भी उसमें जिस हिंदुत्व को हम समझ रहे हैं ये हिंदुत्व है वैसी बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पे वो बात वैसी कर रहे हैं। क्या आज उस हिंदुत्व के एवोल्यूशन में वो उस स्टेज पे पहुंच गए जहां पे वो सख्ती जो एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटीज जी वो खत्म हो गई? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट देखनी होगी, जो सवारकर लिख रहे हैं या गोवालकर लिख रहे हैं वो 1920s 30s का कम्युनलिज्म है, देश का बंटवारा होने जा रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को लिखा जा रहा है। आज अगर कोई ये कहता है कि पूरा संविधान खत्म कर दिया जाए और मनुस्मृति ला दी जाए तो जाहिर है कि कोई भी संविधान का टीचर उससे एग्री नहीं करेगा। लेकिन अगर सारे देश के नागरिकों के और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सिक्योर करके कोई मेंटल ब्लॉक किसी के माइंड में है, उस मेंटल ब्लॉक का कोई संवैधानिक हल निकाल लिया जाए, तो वो मेरे हिसाब से कोई बुरी चीज नहीं हो। सर मुझे ये बताएं, आपने ये जो बात कही, क्या हिंदुत्व जो हम देखते हैं जिस तरह से, आपने तो इतनी किताबें पढ़ी, क्या ये किसी तरह से संविधान के सामने आपको खड़ा नजर आता है या साथ साथ कहीं आप इसकी गुंजाइश देखते हैं कि साथ में बढ़ सकता है आगे? क्योंकि सबसे बड़ा जो हिंदुत्व के इधर वाले जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि संविधान के बिल्कुल मुखालिफ है, तो आपको क्या, आपकी समझ क्या बनती है? देखिए ऐसा है कि हिंदुत्व का कौन सा वर्जन आप लेते हैं इस पे डिपेंड करेंगे। अब देखिए जो किताब
राम माधव जी ने लिखी, वो कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व टाइटल में है, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। ये कह रहे हैं एक ये नॉन वेस्टर्न व्यू है जी। इसमें जैसे मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदुत्व की कल्पना मुसलमानों के बिना नहीं हो सकती, अगर ये व्यू है तो इससे किसी को कोई इतराज नहीं हो सकता। और ये बहस कि हिंदुइज्म अलग है और हिंदुत्व अलग है, ये एकेडमिक बहस है, इसमें बहुत सब्सटेंस है, लेकिन फिर भी आज इस बहस से बहुत हासिल नहीं है। और बहुत हासिल इसलिए नहीं है कि आपको ये तय करना है कि देश किस तरफ जाना चाहता। आपने मुझसे संविधान और हिंदुत्व के लिए पूछा तो मैं आपको बता दूं जी कि संविधान की स्प्रिट जी किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी की तरफ नहीं है। नहीं, संविधान मॉडर्न वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स पे बना है। तो जैसे मैंने कहा कि देश उस वक्त भी संविधान के लिए शायद तैयार नहीं था और आज भी पूरी तरह तैयार नहीं। हमारे लिए आज भी ये मानना कि हर इंसान को समानता का अधिकार होगा, यह हर इंसान को स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार होगा, ये आज भी मुश्किल है। आप देखिए कि आज भी देश में कहीं पे रेप हो जाए तो हम कहते हैं फांसी दे दो। हम अभी भी ये समझते हैं कि बहुत सख्त सजाओं से समस्या हल होती है। मैं समझता हूं कि संविधान का जो विजन है जी वो पास्ट में नहीं देखता। कोई भी राइटिस्ट आइडियोलॉजी हो, चाहे वो पैन इस्लामिज्म हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे कोई और हो, सारी राइटिस्ट आइडियोलॉजीज पीछे की तरफ देखती हैं, पास्ट को ग्लोरीफाई करती हैं, रिवाइवलिज्म के ऊपर बहुत बड़ी छाप होती है। संविधान ये नहीं चाहता। आप देखिए, मैं इसकी हिमांशु समझिए, सारे मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं, सबसे रेस्ट्रिक्टेड नैरोएस्ट पॉसिबल फ्रीडम संविधान दे रहा है धर्म के स्वतंत्रता को, और कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता जो है वो अधीन होगी सारे मौलिक अधिकारों के, यानी समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार इसमें, और अगर धर्म में टकराव होगा तो धर्म की स्वतंत्रता जो है उसको रास्ता देना पड़ेगा। तो संविधान का विजन धर्म से, राइटिस्ट आइडियोलॉजी से, पास्ट से अलग है। संविधान तो साइंटिफिक टेंपर चाहता है, स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी चाहता है। तो संविधान पर पश्चिम का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और अभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, देखिए संविधान दिवस पर, कि अगर आज हमको ये दे दिया जाए चांस कि हम संविधान लिखें तो हम एक पेज नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो देश के संविधान निर्माताओं को सलाम कि उन्होंने इतना प्रोग्रेसिव और इनलाइटेड संविधान बनाया जी। इसीलिए हमने वो सवाल आपसे जो पूछा था ना, कि संविधान तो जो कि सेकुलरिज्म की बात करता है, प्रोग्रेसिव वैल्यूज की बात करता है, और ये जो राइट विंग आइडियोलॉजीज हैं ये कई बार सेकुलरिज्म से बहुत कोई भी राइट विंग आइडियोलॉजी, हमारे जो राइट विंग है उसको सेकुलरिज्म से बहुत मुश्किल है, तो सेकुलर शब्द वो अपने साथ बिठा नहीं पाते हैं, तो वो मुझे लगा कि किस तरह से दोनों साथ साथ ये कहना कि सेकुलर शब्द होने से हम सेकुलर हो गए, ये अपने आप में ही गलत है। आप देखिए, सेकुलर शब्द तो आएगा 1976 में, और 1973 में केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। अगर आप संविधान को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, क्योंकि जो सेकुलर संविधान नहीं होते उनमें लिखा होता है कि फला धर्म का मानने वाला ही सिर्फ राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। सही, हमने संविधान में कह दिया कोई धार्मिक टैक्स नहीं होगा, हमने संविधान में कह दिया कि किसी भी स्टेट रिकॉग्नाइज और स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो संविधान में शब्द धर्मनिरपेक्षता के आने से हम धर्मनिरपेक्ष नहीं बने, हम पहले से धर्मनिरपेक्ष थे, और ये शब्द हटाने से हम धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेंगे, इस पे मुझे डाउट है। क्या बात है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एक तो कुछ किताबें अगर रह गई हो बताना चाहें तो बता दें, और नहीं मैं ये चाहूंगा कि ये तो वो रिसेंट किताबें हैं जो मैं पढ़ रहा हूं और जो मैंने इधर पढ़ी हैं, लेकिन कोई भी एक आम आदमी जो है, पढ़ा लिखा आदमी जो है,
उसको चंद किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। अब क्योंकि हमने बात की धर्म की, सेकुलरिज्म, हिंदुत्व की, तो मैं कहूंगा ये किताब लोग जरूर पढ़ें। ये मीरा नंदा की किताब है द गॉड मार्केट। जी इससे पता चलेगा कि धर्म, राजनीति और बिजनेस, इन जी तीनों में किस तरह की नेक्सेस है। जब आप इस नेक्सेस को समझेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि ये पूरी डिबेट जो रिलीजन को ला के होती है, इसकी जी सियासत क्या है, किस तरीके से धर्म ने और पॉलिटिशियंस ने और बिजनेस ने मिल के रिलीजन का एब्यूज किया है। देश में हमारे रिलीजियोसिटी बढ़ रही है, जी स्पिरिचुअलिटी कम हो रही है। क्या हो रही आप देखिए कि जो धर्म के मानने वाले थे, मौलाना जी आजाद और जी महात्मा गांधी, जी उनकी क्या पॉलिटिक्स थी, और जो धर्म को नहीं मानने वाले हैं, वीडी सावरकर और मोहम्मद अली जिना, उनकी क्या पॉलिटिक्स थी हाँ सही कि वो धर्म सही का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे, मैं ये समझता हूं कि हमको आज पूरे विश्व में जनतंत्र मर रहा है, जी पूरे विश्व में डेमोक्रेसी को खतरा है, जी इसलिए ये किताब हाउ डेमोक्रेसी इज डाई, ये पढ़नी चाहिए। भारत के लोगों को पता चलना चाहिए कि देश में जनतंत्र सिर्फ संविधान में आ जाने से, हर 5 साल इलेक्शन हो जाने से जनतंत्र मजबूत नहीं होता। आज पूरे विश्व में जनतंत्र को किसी मिलिट्री डिक्टेटर से खतरा नहीं है, जैसे पहले होता था पाकिस्तान सही में, बांग्लादेश में। आपने देखा कभी जियाउर जी रहमान आ गए, कभी जनरल इरशाद आ गए, कभी जनरल यहाया आ गए, कभी जियाउल हक जी आ गए, कभी मुशर्रफ आ गए। आज खतरा जनतंत्र को बैलेट से है कि जी चुने लोग हुए ऐसे लोगों जी को विभिन्न देशों में चुन रहे हैं, जैसे ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स में, जो जी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, जिनका जनतंत्र में, मानव अधिकारों में विश्वास नहीं है। तो जी डेमोक्रेसी कैसे मरती है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है, ये 1930 से चला आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतने के लिए जी ऐसे लोगों को नॉमिनेट कर देती हैं जो डेमोक्रेसी के लिए बाद में खतरा बनने वाले हैं। और ऐसे खतरा सारे लोग जब चुनाव जीतते हैं तो ऐसे मार्केटिंग होती है कि ये कहा जाता है कि जनतंत्र बचाना है तो इन्हें चुनाव जीतना। बनने है इसी तरह सही मैं समझता हूं कि देश में बहुत बड़ी समस्या कास्ट सिस्टम की है, तो ये किताब अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया, ये हमें जी जरूर पढ़नी चाहिए ताकि पता चले कि आज भी हमारे समाज की रियलिटी ये है कि दलित दूल्हा घोड़ों पे नहीं चढ़ सकते कितने गांवों। सही सही आज भी किस तरीके का कास्टिज्म है, और आपको मालूम है कि ये जी कास्टिज्म जो है ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं, ये जी मुसलमानों में भी ये चीज आ गई है। तो मैं समझता जी हूं कि इस किताब को भी हमें जरूर पढ़ना चाहिए। नेशनलिज्म की बहुत डिबेट होती रही है, तो मैं जी समझता हूं कि दो किताबें जरूर हमको पढ़नी चाहिए। एक तो खुद रविंद्रनाथ टैगोर की नेशनलिज्म, पतली सी किताब है, जी ताकि जी पता चले कि राष्ट्रवाद जी वास्तव में क्या है। और ये किताब रोमिला थापुर, एजू निरानी, सदानंद मेनन की है जी नेशनलिज्म पर। ये भी वाह किताब अगर हम पढ़ें तो हमें अंदाजा लगेगा कि वास्तव में ये डिबेट राष्ट्र के लिए हो रही है या जी अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए हो रही है। इसी वाह तरह मैं समझता हूं कि एक किताब जो सबको जरूर पढ़नी चाहिए, मैंने अलीगढ़ में पढ़ी थी, बीए में पढ़ी थी ये किताब, जी इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन ताराचंद कल्चर, ताराचंद साहब की किताब है ये। जी ये आज सोचना कि जी इंडियन सिविलाइजेशन से मुस्लिम कंट्रीब्यूशन को खत्म किया जा सकता है, जी इरेज किया जा सकता है, ये नामुमकिन है। ये हजारों साल की आपस में जो रिलेशनशिप रही है, दोनों ने जी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है, दोनों जी ने एक दूसरे की बहुत सी बुराइयां भी अडॉप्ट की हैं, जी लेकिन ये कि इस्लाम इंडिया में सिर्फ इन्वेडर्स नहीं लाए, इस्लाम तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की लाइफ में मालाबार कोस्ट में आ गया था। जी कितने मुसलमान इंडिया में ऐसे रहे हैं जो 10 इनकारनेशंस ऑफ विष्णु को मानते हैं,
कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनके ऊपर हिंदू शास्त्रिक लॉ आज भी लागू है, यानी हिंदुओं के लिए तो रिफॉर्म हो गया लेकिन मुसलमानों पे आज भी हिंदू लॉ लागू है। गुजरात में पूरी एक कम्युनिटी है गुप्ती जो के मुसलमान हैं और ऐलान नहीं करते कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान है, बड़ी कम्युनिटी है वो। तो जब ये पूरा 1920s 30s में शुद्धि का मूवमेंट चला उसकी वजह से इन लोगों को पोजीशन लेनी पड़ी। इसी तरह मैं समझता हूँ कि एम.एन. श्रीनिवास की कास्ट जैसे रूरल इंडिया अनटचेबिलिटी रूरल इंडिया पढ़नी चाहिए, हमें ये भी पढ़नी चाहिए इसलिए क्योंकि कास्ट सेंसस हो ना हो, रिजर्वेशन रहे ना रहे, ये बहस होती रहती है जी। तो हमें समझना जरूरी है कि ये कास्ट सिस्टम क्या है, कैसे आया। और क्योंकि मैं एक सिविल लिबर्टियन हूं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि सब लोग राइट्स ऑफ मैन थॉमस पेन की किताब है, किताब है, इसको जरूर पढ़ें ताकि ये समझें कि ये पूरा राज वजूद में इसलिए लाया गया कि ताकि लोगों के मौलिक अधिकार बचे रहे। अब राज ही अगर मौलिक अधिकारों का हनन करने लगे तो फिर तो राज्य की बुनियाद जिस चीज पे डाली गई थी, जो ओरिजिनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट हो गए। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है मानशु कि अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स वायलेट कर दिए तो पार्टीज आर रेस्टोर्ड टू ओरिजिनल पोजिशन। ओरिजिनल पोजिशन पे अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विरुद्ध गए तो इसका मतलब ये कि लोग राज्य के बनाए कानूनों के पाबंद नहीं रहेंगे। गांधी जी का जो पूरा मूवमेंट था दांडी मार्च का वो क्या था कि मैं आपके कानून जब तक मानूंगा जब तक आप जस्ट लॉज बना रहे हैं जी। अगर आप अनजस्ट लॉ बना रहे हैं तो मैं उस पे बाउंड नहीं हूं। सॉल्ट टैक्स जो है ये एक अनजस्ट लॉ है, इससे मैं बाउंड नहीं हूं। ऑन द कंट्रेरी आप सोक्रेटिस को देखिए कि कानून ने उनको जहर का प्याला दिया तो उन्होंने कानून की ओबीडियंस में उसे पी लिया, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ है। गांधी जी कह रहे हैं नहीं, अनजस्ट लॉस के विरुद्ध जो है वो हमको बात करनी चाहिए। और इसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा कि ए.एल. बाशम की जो बुक है वो भी हमको ये जी कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ताकि पूरे इतिहास के बारे में हमें देश के पता चले। लोगों में लेटली मुझे ये एहसास हो रहा है हिमांशु, किताबें पढ़ने का शौक कम हुआ है, वीडियोस देखने का शौक ज्यादा हुआ है, इसीलिए हमने पूरी एक लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज बनाई कि अब कानून जो है लोग किताबों से नहीं पढ़ रहे हैं तो हम वीडियो में उन्हें कानून भाषा में बना देते हैं। और आपको मालूम है क्योंकि मैं संविधान पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए जाहिर है कि सबसे अहम बुक तो भारत का संविधान है। इस पर मेरा सवाल था सर। एक मिनट। और मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात की बहुत प्रशंसा करता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि द ओनली होली बुक फॉर हिम इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये जो विजन है, अब ये किसी भी और विजन से डिफरेंट है जो हमने बात की। उस विजन में जो है कोई धार्मिक पुस्तक जो होगी वो सबसे अहम होगी जी, लेकिन देश का जो व्यवस्था है हमारा लीगल सिस्टम है उसमें हमारे लिए सबसे अहम बुक देश का संविधान है। अब आप कहें कि साहब मैं मुसलमान हूं तो मेरे लिए तो कुरान होनी चाहिए, मैं हिंदू हूं तो मेरे लिए तो गीता होनी चाहिए, मैं ईसाई हूं तो मेरे लिए तो बाइबल होनी चाहिए। ये सारा अधिकार कि आप बाइबल को माने, गीता को माने, कुरान को माने, ये भी संविधान ही देता है जी। संविधान ने ही आपको वो अधिकार दे दिया कि आप गाय आप गीता और बाइबल और वेदास को मानना चाहते हैं, कुरान को तो मान लीजिए जी। आप पूछ लीजिए। मेरा सवाल ये था सर कि संविधान जैसा कि आपने बताया सबसे जबरदस्त किताब है, संविधान को अगर समझना हो, अगर इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझना हो तो कौन सी किताबें पढ़ी जा सकती है अगर बेहतर तरीके से संविधान को समझना हो? कोई हैंडबुक किस्म की चीज, कोई गाइड, कोई कुंजी या कोई और ऐसी किताब जो संविधान को समझने के लिए? हिमांशु मैं तो गाइड्स के बहुत खिलाफ हूँ। और गाइड को हमने पॉपुलर जबान में कह दिया, कुछ ऐसी किताबें जो
समझने में समझ बनाने देखिए में आता है। बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एनसीईआरटी की किताब है जी 11th 12th वाली जी उसको पढ़ा जा सकता है। और फिर एक इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बासु की किताब है जी पीडी उसको बासु पढ़ा जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी जो बेयर एक्ट है संविधान का, जो मैंने आपको दिखाया है, ये सिर्फ बेयर एक्ट है जी कि आपको अगर भाषा आती है जी तो आप संविधान जो है वो सिर्फ एक उसका बेयर एक्ट ले लेंगे, उससे भी आपको समझ में आ जाएगी। और अब तो हिमांशु हमने 25 नवंबर को जी एक कोर्स, पूरा वीडियो कोर्स, 15 लेक्चर्स का, मैंने 15 लेक्चर्स दिए संविधान पर, हमने लॉन्च कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के कोलोबरेशन में। और अच्छा कोई भी आदमी फ्री में इसके लिए रजिस्टर कर सकता है, इसमें नालसर का सर्टिफिकेट भी उन्हें मिलेगा अगर आपने 15 वीडियो देख लिए हैं। तो मैं समझता हूं कि वो भी एक अच्छा, आपको अगर किताब पढ़ने में थोड़ी तकलीफ है तो आप एक आधे आधे घंटे 20-20 मिनट के 15 वो एपिसोड देख लें तो आपको एक फेयरली ब्रॉड स्कीम संविधान की क्या है वो जरूर समझ में आ जाएगी। ये कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं सर, इसकी डिटेल बता दीजिए। ये नालसर की वेबसाइट पे है तो, और बहुत लोगों ने कर लिया है, अभी 2-3 ही दिन हुए हैं इसको। आप जी सोचिए 40,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें रजिस्टर कर लिया। पूरा भारत जी सरकार का और हमारा इनिशिएटिव यही है इसमें कि जी देश में अब सिर्फ लिटरेसी से काम नहीं चलेगा कि आपको अपना नाम कमला और 1 से 10 तक गिनती आती है, जी अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल लिटरेसी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये बताएं कि आप इतनी जगह गए हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज में खुद भी रहे हैं, किताबों से जुड़ी आपकी पसंदीदा जगह, कोई लाइब्रेरी, कोई बुक शॉप जो आपको याद आती हो, जहां से जुड़ा कोई किस्सा भी आपके पास हो, अगर आप सुनाना चाहें, बताना चाहें। देखिए सबसे अच्छी लाइब्रेरी जो मुझे लगी वो तो लंदन की ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी है। और उस लाइब्रेरी का किस्सा तो ये था कि मैं एक हमारे एजुकेशन काउंसिल के मेंबर थे अंग्रेजों जी के जमाने में, हरकोट जी बटलर, तो जी 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 उनके नॉर्मल कुछ लेटर्स, जी प्राइवेट पेपर्स, जी उनको मैं बहुत जमाने से सर्च कर रहा था। और जी जब मैंने जाके ब्रिटिश लाइब्रेरी में उसको बताया तो हार्डली 7-8 मिनट्स में वो लेटर्स वाली फाइल जो है वो उन्होंने मेरे हाथ में दे दी और क्या मैं बात जिस लेटर को तलाश कर रहा था वो मुझे मिल गया। बस है, वाह ये बड़ी बहस जो थी, अगर उस बहस को भी आपको बता दूं थोड़ा सा, जी बहस ये थी कि पहले तो बना एमएओ कॉलेज अलीगढ़, जी 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 और उसके बाद ये आपका सेंट्रल कॉलेज बनारस में बना। जी जी जब सेंट्रल कॉलेज ने ये कहा कि हम विश्वविद्यालय बनना चाहते हैं तो जी अंग्रेज सरकार ने कहा कि आप जो अलीगढ़ वाले कर रहे हैं वो करिए, क्योंकि अलीगढ़ का प्रपोजल विश्वविद्यालय बनने का पहले चला गया था। जी तो दोनों यूनिवर्सिटीज कैसे बनी इस पे जी जो सरकार से खत किताबत हुई वो बड़ी जी जी इंटरेस्टिंग है। आपको बस एक छोटी सी चीज बता दूं कि जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कहते थे कि ये हिंदू और मुस्लिम शब्द नहीं रहेगा, तो उसपे अलीगढ़ की जो लोग बातचीत कर रहे थे उसमें राजा ऑफ महमूदाबाद थे, जी उन्होंने लेटर लिखा, और राजा ऑफ दरभंगा ने बीएचयू के लिए लिखा, और दोनों ने ये जी कहा कि साहब इमोशंस लोगों के इन्वॉल्व हैं इसलिए ये शब्द इसमें रहना चाहिए। और गवर्नर जनरल ने भी ये कहा कि ये दोनों शब्द के रहना बहुत जरूरी है, और फाइनली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उसे कंसीट किया। तो इस मुद्दे पे मैं उस कॉरेस्पॉन्डेंस को सर्च कर रहा था जो मुझको वहां मिल गई। वाह। और कोई बुक शॉप, कोई किताब की दुकान, कोई और लाइब्रेरी जो आप बताना चाहें, जहां आप जाते रहे हो। हम तो किताबों की, अब तो अमेज़न हो गई है सबसे बड़ी दुकान कि वहां पे जी मिल जाता है, लेकिन जब पहले आप दिल्ली जाते थे तो जैन बुक डिपो हुआ करता था कनॉट प्लेस में, वहां जाते थे। जी और किताबों का अगर शौक हो तो, अब तो मुझे नहीं मालूम कोविड के बाद क्या जी सिचुएशन है, वरना अक्सर हम लोग अगर संडे में हैं तो दरियागंज जाके
सड़क पर बहुत सी पुरानी क्लासिक किताबें बहुत सस्ते दामों में मिल जाती थी और उनको खरीदा करते थे। क्या बात है, वाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने की महिमा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं। भाई देखिए, ऐसा है कि अगर आपको इल्म या नॉलेज में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए, तो फिर आपको पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो आपका जो माइंड है वो डिफरेंट तरह से सोचता है, तो अपने समाज को, अपने देश को, अपने धर्म को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, फिल्मों को, आर्ट्स को, कल्चर को। यार आप सोचिए कि गीत माला का प्रोग्राम अमीन सानी करते थे, उस पे भी कई किताबें आ गई हैं। जी और फिर बिल्कुल, जब अमीन साहब ने खुद वो पूरी हिस्ट्री जो रही 50 सालों की गीत माला की, उस पे रिकॉर्ड किया उन्होंने, तो उन्हें खुद वो किताबें देखनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत सी चीजें भूल चुके थे, सही लेकिन ये बात, कि वो किताब में किसी ने लिखा था। तो किताब तो की है किसी भी सिविलाइजेशन की, और जिस सिविलाइजेशन में किताबों की अहमियत नहीं है, वो सिविलाइजेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्या तो बात। नॉलेज क्रिएशन जो है उसके लिए किताबों का पढ़ना जरूरी है। अब ये कि हमारे पुराने ऋषि मुनि लोग जो थे उस जमाने में कंठस्थ करा देते थे, अब आज वो जी कंठस्थ नहीं हो सकती चीजें, इतनी आप सही, पढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है। क्या बात है सर। आखिरी सवाल यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे पूछे कि आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी हैं, तो आपको जो जो किताबें सबसे पहले याद आती हों, अगर आप उनके नाम जल्दी जल्दी बताना चाहें, जो आपको सोचना ना देखिए, जो पड़े। मैंने शायद शुरू में पढ़ी थी तो गांधी जी की थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, 1984 पढ़ी हमने, जॉर्ज ऑरवेल की। उस पर बहुत आजकल बहस होती रही है। एनिमल फॉर्म पढ़ी हमने, और मैं समझता हूँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी। तो किताबें इनिशियली अगर कोई आदमी नया पढ़ना शुरू कर रहा है तो उसको ऑटोबायोग्राफीज, जो पुराने ग्रेट लोग रहे हैं, उनकी जी जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर ऑटोबायोग्राफी सबकी नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम ये किताब मैं रिकमेंड करूंगा, मेकर्स ऑफ क्या मॉडर्न इंडिया। बात, इसमें बहुत लोगों के बारे में, हमारे मॉडर्न टाइम्स के रामचंद्र गुहा की किताब है, मिल जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम मैंने पढ़ी थी, जो अर्ली बुक्स आप कह रहे हैं कि शुरू में जो पढ़ी, ये मौलाना आजाद की किताब है। और आपको देखिए कि ये पता चलेगा कि गांधी जी, नेहरू और पटेल ये विभाजन के लिए तैयार हो गए और मौलाना आजाद तैयार नहीं हुए, नहीं था। और इन्होंने खिलाफ वोट दिया। और ये बात अब सुप्रीम कोर्ट ने बाल पाटिल के केस में कह दी कि 1920-25 के बाद से ये जो हमारे बड़े लीडर्स थे, इन्होंने कम्युनलिज्म के इशू को छोड़ दिया और जी मौलाना आजाद आखिर तक देश के विभाजन का विरोध करते रहे। तो ये पर्सपेक्टिव समझने की जरूरत है। दूसरे, मैं ये समझता हूं कि मुझे बहुत ताज्जुब है कि जो मौलाना लोग थे, मौलाना आजाद तो थे जी खैर मौलाना, लेकिन जी और भी जो देवबंद के मौलाना थे, अब जी ये मौलाना लोग तो उतने दुनियावी इल्म में तो माहिर नहीं है, जी लेकिन सारे मौलाना लोग पार्टीशन के विरुद्ध थे हसरत मोहानी भी जी। और जो जी आपके वकील थे और मॉडर्न सिस्टम को समझते थे, हाँ सही है। वो पार्टीशन की तरफ चले गए। एक डेमोक्रेसी भारत में आ रही थी, उसमें जी अपने नंबर को डिवाइड करना कोई अकलमंदी नहीं थी। जी सही और सही, आपने कम्युनल प्रॉब्लम का हल नहीं निकाला, वहां नहीं निकला, सही पे बात, मुसलमान मेजोरिटी थे, वहां पे आपने देश बना दिया, वहां तो सही वैसे ही वो पावरफुल थे। सही अगर वो हिस्सा भारत का हिस्सा होता आज, तो वहां का मुख्यमंत्री, वहां के ज्यादातर एमएलए एमपी जो भी होते, वो तो मुस्लिम ही होते। सही बात। अच्छा सर, आप अलीगढ़ में थे, फिर लिटरेचर और शायरी की तरफ नहीं आए, मतलब वो किताबें, उनमें से कौन सी किताबें
या कोई दिलचस्पी नहीं, रही? लिटरेचर की तरफ, मतलब अलीगढ़ में आम तौर से बैतबाजी की बड़ी रिवायत है, तो उसको एंजॉय करते थे, लेकिन ये कि मेरा इंटरेस्ट डिबेट में था, तो हम ज्यादा उस तरफ कल्चरल एक्टिविटीज और कल्चरल क्लब जो थी उसकी तरफ ज्यादा वो नहीं थे रागे, लेकिन ये कि वहां पे बड़ी अच्छी स्किट्स होती थी, ड्रामे होते थे और मिमिक्री होती थी। तो जो दरअसल यही एक डिफरेंस है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में और पुरानी जो यूनिवर्सिटीज हैं लाइक अलीगढ़ या BHU, यानी मुझे याद पड़ रहा है BHU के जो फॉर्मर वाइस चांसलर थे और फिर UGC के चेयरमैन रहे, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हरि गौतम साहब। तो जब हरि गौतम साहब किट यूनिवर्सिटी के चांसलर बने भुवनेश्वर में, तो मैं उनके लॉ स्कूल का डायरेक्टर था, तो मैंने वेलकम में कुछ बोला उनका, तो वो अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि भाई देखिए आप लोग बुरा माने नहीं, विश्वविद्यालय तो दो ही हैं, एक अलीगढ़ एक बनारस, बाकी भी ठीक है। तो ये जो बात उन्होंने कही वो किसी यूनिवर्सिटी को डिमीन करने के लिए नहीं है, लेकिन एक बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो रूम पार्टनर्स होते हैं, मेस में खाना खाते हैं, साथ में साइकिलों पे जाते थे उस जमाने में, बातचीत करते थे, तो जो तरीके का एक इंटीग्रेशन होता था या आपकी नॉलेज जैसे बढ़ती थी, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस जो बहुत छोटे हैं जिनमें क्वालिटी बहुत हाई है लेकिन उनका पर्सपेक्टिव उतना वाइड नहीं होता जितना एक मल्टी फैकल्टी मल्टी डिसिप्लिन बिग यूनिवर्सिटी में होता। सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने कहा ना कि आपकी दिलचस्पी पढ़ाने में रही है, और ये जो पूरा सत्र है ये भी एक तरीके से एक ऐसा ऐसा क्लासरूम था जिसमें बहुत कम वक्त में आपने तमाम मैदानों की जो चीजें हैं वो हमें बताई। बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाला और यहाँ पर आए। थैंक यू।